हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस स्काडा इंटच के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम टैग क्रिएट करते हैं। हमने एनालॉग, डिजिटल एंड स्ट्रिंग एंड वन मोर दैट इज सिस्टम टैग भी क्रिएट किया था। आज हम लोग इस स्काडा प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि इस स्काडा में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो आप उसको रेड बटन पर क्लिक करके लाइक सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले, अगर आप देखेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टैग्स के बारे में बताया था किस तरीके से टैग क्रिएट करते हैं। आज मैं आपको स्काडा पार्ट 3 में आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, जिसमें कि लोकेशन, फिलिंग, ऑब्जेक्ट साइज, विजिबिलिटी और भी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इनटच स्काडा सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा। किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं आप देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इनटच एप्लीकेशन मैनेजर मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, एंड लास्ट में मैंने एक न्यू स्टार्टिंग प्रोजेक्ट के नाम का एक नेम से एक प्रोजेक्ट बनाया था। मैं सेम प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा कि मैंने टैग क्रिएट किए हुए थे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं आपको शॉर्ट कीज भी बताऊंगा कि अगर यहाँ पे विंडो पे डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट अगर बने हुए हैं तो आप उनको डिलीट कैसे करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट कैसे करना है। वैसे तो आप वन बाय वन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक साथ सिलेक्ट करना है तो F2 फंक्शन की 2 प्रेस करेंगे, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, देन डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद लोकेशन प्रॉपर्टी। तो लोकेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करते हैं। आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो उससे पहले हम एक स्लाइडर बनाएंगे। तो स्लाइडर हमें कहाँ मिलेगा? विजार्ड में मिलेगा। विजार्ड में यहाँ जाएंगे, एक स्लाइडर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप वर्टिकल स्लाइडर सेलेक्ट करके यहाँ पे लेकर आएंगे। इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैं स्लाइडर इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक रेफरेंस वैल्यू के लिए हमें स्लाइडर चाहिए, क्योंकि जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट कैसे होगी, किसी एनालॉग वैल्यू के रेफरेंस में होगी, इसलिए मैंने एक स्लाइडर लिया। लेकिन जब आप PLC को कम्युनिकेट करेंगे स्काडा सॉफ्टवेयर से तो उस समय आपको स्लाइडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टैग नेम देना है। मैंने टैग नेम डिक्शनरी से भी आपको बताया था कि आप स्पेशल में जाके टैग नेम डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर आपको डायरेक्ट टैग देना है तो आप दे सकते हैं। तो स्लाइडर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टैग नेम क्रिएट कर लीजिए। सपोज मैंने सबसे पहले A1 टैग नेम दिया। आप लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं, कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अभी 0 से 100 का मैंने बनाया हुआ है। जस्ट ओके करेंगे एंड ये डिफाइन कराएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये एनालॉग है इसीलिए मेमोरी रियल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सेव करेंगे एंड क्लोज कर देंगे। तो इसका नाम अभी मैंने टैग नेम 1 रखा। देन आप इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो एक टेक्स्ट ले लीजिए और यहाँ पर आ जाइए एंड यहाँ पर हैश। देन अगर आपको पॉइंट वैल्यू देखना है तो पॉइंट के बाद फिर से हैश मेंशन कर दीजिए। कितना डेसिमल आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसका फॉन्ट इंक्रीज कर दीजिए, बिकॉज मुझे इसी स्लाइडर की वैल्यू यहाँ पर लेनी है, इसीलिए सेम टैग नेम मुझे देना पड़ेगा। उसके लिए जो हैश है उस पर डबल क्लिक करेंगे। बिकॉज मैं वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहता हूँ स्लाइडर की, तो उसके लिए वैल्यू डिस्प्ले में एनालॉग के ऊपर क्लिक करेंगे। देन सेम टैग नेम जो मैंने स्लाइडर का लिया है वो A1 यहाँ पे ले लिया। उसके बाद आप यहाँ से रन कराएंगे। रन कराने के बाद यहाँ पे देखिए तो आपको दिखेगा कि जो भी स्लाइडर आप स्लाइड करते हैं अप एंड डाउन, देन वैल्यू भी चेंज होती हुई आपको दिखती है, राइट। तो सबसे पहले हमने स्लाइडर क्रिएट किया। देन आप फिर से डेवलपमेंट में जाएंगे। अब यहाँ से हम लोकेशन प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पे ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। वैसे मेरे पास सिंबल है टूल से, लेकिन आप चाहते हैं सिंबल फैक्ट्री के सिंबल्स यूज करने तो उसके लिए आपको विजार्ड में जाना होगा। सिंबल फैक्ट्री में गए, यहाँ से फिर से सिंबल फैक्ट्री सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैं एक टैंक को मूव कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से सपोज एक टैंक ये ले लिया, ओके किया, ये विंडो पे मेरा टैंक क्रिएट होके आ गया। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो भी सिंबल आप सिंबल फैक्ट्री से लेंगे उसको सबसे पहले ब्रेक सेल करना होगा। तो ब्रेक सेल करने का क्या तरीका है कि उस पर राइट क्लिक करेंगे, सेल सिंबल पे जाके ब्रेक सेल करेंगे, और ब्रेक सेल करने के बाद आपने ब्रेक सेल किया और ब्रेक सेल करने के बाद आप
देखेंगे कि यहाँ से फिर से आप सिंबल यूज कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे तो आप डबल क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख पा रहे हैं। परसेंट फेल लोकेशन ऑब्जेक्ट्स आए, देन मिसेलेनियस है, पुश टच पुश बटन है, स्लाइडर्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग करेंगे दैट इज लोकेशन, जो मैंने बताया अभी था। तो लोकेशन में दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मीन्स वर्टिकल की अगर हम बात करते हैं दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट को आप अप एंड डाउन ले जा सकते हैं। हॉरिजेंटल की अगर बात करते हैं तो आप इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या। तो ऑब्जेक्ट में अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये वाला ऑब्जेक्ट है। एंड अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हॉरिजेंटल प्रॉपर्टी के साथ। लोकेशन में हॉरिजेंटल किस तरीके से मूव कराते हैं, तो सबसे पहले हॉरिजेंटल में मैं राइट ले जाने की कोशिश करूंगा। रेफरेंस वैल्यू मेरे पास स्लाइडर है, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन इसलिए ड्रॉ किया है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से मूव करा के इस लाइन तक ले जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ प्लेस किया, लेकिन आपको मूव कराने से पहले आपको ये पता लगाना जरूरी है कि यहाँ से लेके यानी इस टैंक से लाइन तक के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो उसके लिए एक और लाइन रेफरेंस के लिए ले लीजिए और यहाँ से लेके दूसरे लाइन तक आप इसको ट्रैक कराइए। देन यहाँ से आप देखेंगे इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद, देन यहाँ कर्सर पे देखिए नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रही है, वेथ एंड हाइट। इसका मतलब इस लाइन की जो विथ है अभी 280 पिक्सल है, ये कोई एमएम में नहीं है, दैट इज पिक्सल ओनली, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। एंड ये मेरा हाइट है, मीन्स अभी लाइन जो है 280 पिक्सल की है। दैट मीन्स आपको इस ऑब्जेक्ट को राइट लेकर जाना है 280 पिक्सल। तो कैसे लेके जाएंगे, आप डबल क्लिक करेंगे। लोकेशन में दो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। बिकॉज मेरे को टैंक राइट में लेके जाना है इसलिए हॉरिजेंटल में जाऊंगा। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन आता है, इसमें आप सबसे पहले टैग नेम दे दीजिए जो स्लाइडर का है। तो मैंने यहाँ पर A1 दे दिया, बिकॉज ये रेफरेंस के लिए मैंने स्लाइडर लिया है, क्योंकि जैसे ही स्लाइडर को, इस पॉइंटर को मैं स्लाइड करूंगा आपकी तरफ तो वैल्यू इंक्रीज होगी। देन हम यहाँ प्रॉपर्टीज में आते हैं, वैल्यू एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हॉरिजेंटल मूवमेंट में वैल्यू फीड करना है। बिकॉज मुझे किधर जाना है ये मुझे डिसाइडेड है ऑलरेडी मेरे से, कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को राइट में लेके जाना है 280 पिक्सल। तो मैंने टू राइट में 280 मेंशन किया, क्योंकि लेफ्ट में मुझे जाना नहीं है इसलिए मैंने इसको जीरो किया। अब यहाँ पे हॉरिजेंटल मूवमेंट देने के बाद आपको स्लाइडर की वैल्यू यहाँ फिक्स करना है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू लिखा है दैट मीन्स ये स्लाइडर की वैल्यू है। तो जिधर मेरे को लेके जाना है इस ऑब्जेक्ट को, मीन्स टू राइट, यानी मैं टैंक को राइट लेके जाना चाहता हूँ, तो इसके जस्ट फ्रंट पे यानी सामने वो वैल्यू मेंशन करना है स्लाइडर का, जिस वैल्यू पे आप रीच करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। तो अभी मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 100 मेंशन है, और मैं चाहता भी हूँ कि जब मैं स्लाइडर को 100 लेकर जाऊं तो 100 के जस्ट सामने 280 पिक्सल मूवमेंट राइट में चला जाए ऑब्जेक्ट। अब टू लेफ्ट मीन्स जहां ऑब्जेक्ट है वहां पर कब होना चाहिए स्लाइडर, जब स्लाइडर जीरो पे हो तो ऑब्जेक्ट भी मेरा वहीं पे होना चाहिए, यानी जीरो मूवमेंट होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि राइट में लेके मैं ऑब्जेक्ट जा रहा हूँ, तो जीरो से 100 जब लेके जाऊंगा इस स्लाइडर को तो मेरा ऑब्जेक्ट राइट में 280 पिक्सल मूव करेगा। तो इसको एक बार रन करा के देखते हैं, ओके करेंगे, रन टाइम पे जाएंगे और यहाँ से देखेंगे अभी स्लाइडर मेरा जीरो पे है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट वही है जहाँ था। जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट स्लाइडर को स्लाइड करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट राइट में मूव करेगा, यानी 100 वैल्यू पर 280 पिक्सल राइट में चला जाएगा और जीरो पे वही रहेगा, यानी जीरो पे वही की वही है ऑब्जेक्ट, इनिशियल जीरो पोजीशन पे। जैसे ही मैं 100 लेके जाऊंगा राइट में 280 पिक्सल कवर करेगा। ओके, नाउ फिर से डेवलपमेंट में गए। अब मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है राइट में चला जाए कब, जब स्लाइडर मेरा 80 पे पहुंचे। तो जस्ट 280 के जस्ट सामने फ्रंट पे 80 आप मेंशन कर दीजिए, एंड लेफ्ट में मैं चाहता हूँ कि स्लाइडर का मूवमेंट जब स्लाइडर 20 पे आए, देन जब स्लाइडर 20 पे हो उससे मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए, और जब स्लाइडर 80 पे पहुंच जाए तो मेरा ऑब्जेक्ट 280 राइट चला जाए। दैट मीन्स मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए 20 से 80 के बीच में। दैट मीन्स जब स्लाइडर बिल्कुल 0 से 100 तक का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब स्लाइडर 20 से हो
और 80 पे जाए, 20 टू 80 जाए, देन उसके बीच में मूवमेंट हो। तो मैंने मिनिमम वैल्यू 20 रखा एंड मैक्सिमम मैंने 80 रखा। अभी भी ऑब्जेक्ट मेरा राइट में ही मूवमेंट करेगा, बट वैल्यू रेंज डिफरेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे, अभी इनिशियली देखिए 0 से 20 तक कोई मूवमेंट नहीं है टैंक में। जैसे ही 20 से 80 के बीच में जाएगा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही रीच करेगा 80 स्लाइडर वैल्यू, मेरा 280 पिक्सल कवर करेगा टैंक। दैट मींस राइट में किस वैल्यू रेंज में आपको जाना है आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। राइट, इसी तरीके से अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को लेके लेफ्ट की तरफ जाना है तो सिंपल अभी देखिए किस तरीके से चेंज करना है। सपोज मेरी डिस्टेंस अभी यहाँ पे देखेंगे लाइन सिलेक्टेड है, अगर लाइन सिलेक्टेड है तभी यहाँ नीचे पिक्सल दिखाएगा। तो अभी यहाँ पे विथ मेरा 160 है, दैट मीन्स टू लेफ्ट, यानी लेफ्ट में मेरे को 160 पिक्सल लेकर जाना है। आप टैंक पर डबल क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, टू लेफ्ट में आप यहाँ पे 160 करेंगे, दैट मीन्स टू राइट में आपको जाना नहीं है। अब टू राइट यानी टू लेफ्ट में 160 जाना है किस वैल्यू पे, आप स्लाइडर की कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, 100, 80, 60, व्हाटएवर यू वांट यू कैन मेंशन हियर। दैट मीन्स आई वांट टू मूव ऑन 60, जब मैं स्लाइडर 60 पे लेके जाऊं तो 160 राइट लेफ्ट चला जाए। एंड जीरो मीन्स स्टार्टिंग सपोज जीरो, दैट मीन्स अगर मैं स्लाइडर जीरो से 60 लेके जाऊंगा तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा मेरा ऑब्जेक्ट। ओके करेंगे, रन कराएंगे, तो यहाँ देखिए अभी स्लाइडर जीरो पे है तो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजिशन पर है। जैसे ही मैं इसको 60 की तरफ लेके जाऊंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट राइट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है एंड 60 पे 160 पिक्सल कवर करेगा। आप चाहते हो नहीं 100 पे लेके जाऊं देन मूव होना चाहिए, तो उसके लिए फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप 60 की बजाय आप यहाँ 100 लिखेंगे, देन सेम 100 पे 160 रीच करेगा। इसको इनिशियल पोजीशन दे देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, जीरो पर इनिशियल पोजीशन पर मेरा ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मैं इसको 100 लेके जाता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट 160 पिक्सल कवर करेगा। दैट मीन्स अभी जो मूवमेंट हो रही है वो 0 से 100 के बीच में हो रही है। क्लियर? सो आई थिंक आपको ये लोकेशन प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टल में समझ आ गया होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट किस तरह लेकर जाना है। अभी सेम इसी ऑब्जेक्ट को मेरे को अप की तरफ लेके जाना है। मुझे सपोज अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, अभी यहाँ देखेंगे 120 पिक्सल मेरे को अप लेके जाना है, मूवमेंट करना है, तो हॉरिजॉन्टल वाला मैंने अनटिक किया, देन ओनली मैं वर्टिकल लगाना चाहता हूँ, मैं उस पर गया वर्टिकल, देन वर्टिकल मूवमेंट में अप डायरेक्शन में पिक्सल आप एंटर कर दीजिए। तो अभी मैंने जो आपको पिक्सल दिखाए वो कितने थे, 120। आप जाइए हॉरिजॉन्टल अनटिक करिए, वर्टिकल में गए, सबसे पहले टैग नेम दे दीजिए एक्सप्रेशन में, अप में गए 120 पिक्सल, बिकॉज मुझे इसको लेके डाउन में नहीं जाना है तो इसलिए जीरो किया। 120 पिक्सल मैं अप जाना चाहता हूँ स्लाइडर की 100 वैल्यू पे, सिर्फ मैंने डायरेक्टली मेंशन किया, डाउन मींस जीरो मींस जीरो। दैट मींस स्लाइडर जीरो पे होगा तो मेरा ऑब्जेक्ट डाउन में ही रहेगा, बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पे, कोई मूवमेंट नहीं होगी। जैसे मैं स्लाइडर 100 लेके जाऊंगा तो ये अप डायरेक्शन में 120 पिक्सल कवर करेगा। ओके करेंगे, रन टाइम जाएंगे, आप देखेंगे इनिशियल पोजीशन पे वही है ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं इसको अप लेके जाऊंगा, स्लाइडर को स्लाइड करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट अप डायरेक्शन में चला गया 120 पिक्सल, आप देख पा रहे हैं। आप चाहते हो कि जब मैं स्लाइडर 50 पर लेके जाऊं, यानी मैं स्लाइडर की मैंने रेंज ही डिफाइन 50 कर दिया, दैट मीन्स जब स्लाइडर 50 पर जाएगा तो 120 पिक्सल रीच करेगा। आप यहाँ पर देखेंगे, अभी यहाँ पर देखेंगे जीरो से लेके 50 में ही पूरा मूवमेंट कवर कर लेगा मेरा ऑब्जेक्ट, आप देखिए। राइट, तो इस तरीके से मैंने वर्टिकल में अप दिया, देन अगर मुझे डाउन में लेके जाना है इस ऑब्जेक्ट को तो सबसे पहले आपको कितना डाउन जाना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। सपोज 120 की जगह मैंने जस्ट चेंज किया 150, वर्टिकल में गए तो डाउन में आपको 150 जाना है, आप जस्ट मेंशन करेंगे। अप में से मैंने जीरो किया बिकॉज अप की तरफ मुझे जाना नहीं है। तो 150 पिक्सल कवर कब करोगे, जब स्लाइडर मेरा सपोज 80 पे चला जाए एंड अप जीरो है एंड जीरो, दैट मीन जीरो से लेके 80 के बीच में मूवमेंट होगा डाउन में। यानी स्टार्टिंग जब मैं स्लाइडर की जीरो से करूंगा तो जीरो पे ऑब्जेक्ट वही रहेगा, जैसे ही मैं इसको 80 लेके जाऊंगा ये डाउन चला जाएगा 150 पिक्सल। ओके, इस तरीके से मैंने डाउन लेके गया ऑब्जेक्ट को वर्टिकल में। आप अगर चाहते हैं कि नहीं जब मेरा स्लाइडर 40 पे हो देन 80, यानी 40 टू 80 के बीच में ही मूवमेंट होनी चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे वर्टिकल में गए और आपने स्टार्टिंग ही 40 कर दिया, मींस मैं जो वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वो स्लाइडर की है,
40 यानी 40 मीन्स 0 यानी ऑब्जेक्ट अप में 0 में रहेगा, जैसे 80 लेके जाऊंगा 150 पिक्सल डाउन चला जाएगा, यानी जो भी मूवमेंट होगी 40 टू 80 के बीच में होगी। आप देखेंगे अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे ही मेरा स्लाइडर 40 पर जाएगा मूवमेंट स्टार्ट होगी और 80 पर फिनिश करेगा। इस तरीके से मैंने वन बाय वन आपको हॉरिजेंटल भी बताया और नाउ वर्टिकल भी बताया। लेकिन एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन है हमारा डायगोनल। यानी अभी तक आपने सिर्फ ये देखा कि या तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, या फिर अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ये डायगोनल भी जा सकता है, ऐसे आप ऐसे भी ले जा सकते हो ऑब्जेक्ट को, आप इस तरीके से भी ले जा सकते हो, इस तरीके से भी, यानी इट डिपेंड अपॉन यू कि आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है ऑब्जेक्ट को। तो सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूं, अभी आप देख पा रहे होंगे, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो मैं ऑब्जेक्ट को अप में लेके जाना चाहता हूं और ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ लेके जाना चाहता हूं। इसका मतलब अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, इसका मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, एंड वर्टिकल में अगर देखा जाए तो अप की तरफ जा रहा है। मैं फिर से बताऊंगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐसे डायगोनल ले जाना चाहता हूं, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, अभी लेफ्ट की तरफ जा रहा है और अप की तरफ जा रहा है। इसका मतलब मैं अभी जो यहाँ पे मूवमेंट प्रॉपर्टी देने वाला हूँ वो वर्टिकल में भी देना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल में भी देना पड़ेगा, यानी साइमल्टेनियसली आपको वैल्यू देनी पड़ेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन आपको याद रखना है, हॉरिजॉन्टल में मेरे को कितना लेके जाना है, 130 पिक्सल में नीचे की तरफ दिखा रहा हूं, आप टैंक में गए ओरिएंटल में, टू लेफ्ट 130 पिक्सल लेके जाना है, राइट जीरो किया और स्लाइडर की वैल्यू जीरो से 100 किया, सेम टैग नेम रखा, टैग नेम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा था मेरा ऑब्जेक्ट 130 पिक्सल। अच्छा, वर्टिकल में कितना लेके जाना है, तो फिर से लाइन सिलेक्ट करिए वर्टिकल वाली, यहाँ पे चेक करिए 130 पिक्सल है, आप यहाँ पे वर्टिकल में गए, अप में 130 पिक्सल लिया, डाउन में जीरो किया, यानी 130 पिक्सल में सेम वैल्यू दे रहा हूँ स्लाइडर का, 100 पे कवर करूंगा, डाउन में जीरो ही रहेगा। मीन्स 0 से 100 जो वैल्यू स्लाइडर की है मैंने वर्टिकल में भी अब डायरेक्शन में फिक्स किया एंड हॉरिजॉन्टल में भी, यानी वैल्यूज मेरी सेम है, ठीक है ना, वैल्यू सेम है। इसका मतलब अब ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट को वर्टिकल में मैं अप लेके जाना चाहता हूँ और हॉरिजॉन्टल में ऑब्जेक्ट को मैं लेफ्ट लेके जाना चाहता हूँ। इसका मतलब जब मैं स्लाइडर को स्लाइड कराऊंगा 0 से 100 के बीच में, तो मेरा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल वैल्यू भी कवर करेगा और वर्टिकल, दैट मींस वो डायगोनल कवर करेगा। आप रन करा के एक बार चेक करेंगे तो आप देखेंगे अभी ऑब्जेक्ट 0 पे इनिशियल पोजीशन पे है, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को लेके जाऊंगा तो ये देखिए आप यहां से डायगोनल कवर कर रहा है और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में भी जा रहा है और वर्टिकल में भी जा रहा है, ठीक है। सपोज यही थोड़ा सा अपोजिट करना है मेरे को, इंस्टेड ऑफ दिस प्लेस मैं चाहता हूं कि मेरे को ऑब्जेक्ट इधर लेके जाना है इस तरीके से, यानी मैं डायगोनल लेके जाना चाहता हूं, मैं ऐसे लेके जाना चाहता हूं ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब आपको अब ये डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्ट को लेके किधर जाना है। तो ये क्लियर है कि जब मैं ऐसे लेके जाऊंगा डायगोनल तो ये लेफ्ट में तो जा रहा है लेकिन अभी अप में नहीं जा रहा, ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल में डाउन में जा रहा है। तो डबल क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एज इट इज सेम रखेंगे क्योंकि लेफ्ट में ही लेके जाना है, वर्टिकल में मेरे को कितना पिक्सल कवर करना है 130 ही है, सिर्फ वर्टिकल में जाके डाउन में 130 करना है, अप में 0, यानी यहां पर अब मेरे को 100 करना है, ये 0 करना है, यानी अब ऑब्जेक्ट को मेरे को बस वर्टिकल में चेंज करना है डाउन के लिए, हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा लेफ्ट। रन टाइम पे जाएंगे और यहां देखेंगे अभी मेरा ऑब्जेक्ट डायगोनल जा रहा है, यानी इस तरीके से आप प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस तरीके से हम लोकेशन प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी स्काडा सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करना चाहते हैं, कुछ भी लर्न करना चाहते हैं, तो आप सिंबल फैक्ट्री ही यूज करें, बिकॉज ये सिंबल फैक्ट्रीज का यूज करके आप बहुत अच्छे तरीके से स्काडा डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम फिलिंग प्रॉपर्टी कनेक्ट करते हैं। इस लोकेशन प्रॉपर्टी का जो इंडस्ट्री में यूज होता है उसका पर्पज यही है कि सपोज कोई कन्वेयर बेल्ट है, उस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई कन्वेयर बेल्ट पे अगर कोई भी प्रोडक्ट मूव करता है तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन या डायगोनल वे में
कोई भी प्रोडक्ट मूव कर सकता है। तो अब मैं अगर डिस्प्ले कराना हो प्रोडक्ट को कन्वेयर बेल्ट पे, अगर स्काडा से मॉनिटरिंग करना हो तो इस लोकेशन प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत होती है, उस जगह हम लोकेशन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिलिंग प्रॉपर्टी भी बताऊंगा किस तरीके से यूज करते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आप लोकेशन प्रॉपर्टी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना होगा और उसमें मैं फिलिंग प्रॉपर्टी बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।